पिछले कुछ दिनों से गायब बक्सर पैक्स अध्यक्ष और कांग्रेस नेता के बेटे का शव धर्मावती नदी से बरामद हुआ है। मामले में प्रेम प्रसंग में हत्या की बात सामने आ रही है, तो वहीं पुलिस ने गायब युवक का शव बरामद करते हुए उसकी बाइक को भी बरामद कर लिया है। इस मामले में बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने दो महिलाओं और दो पुरुष को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि युवक का अपनी चाची की शादीशुदा भतीजी, जो उसके दूर के रिश्ते में ममेरी बहन थी, उससे उसका अफेयर चल रहा था। प्रेम प्रसंग शादी के बाद भी जारी रहा। प्रेमिका का पति छत्तीसगढ़ पुलिस बल में तैनात है। पत्नी का दूसरे युवक से प्रेम प्रसंग पति को नागवार गुजर रहा था। इसी के चलते पति के कहने पर युवती ने विपिन को मिलने के लिए हीरपुर में 2 अक्टूबर को बुलाया। युवक के पहुंचने पर पति और उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या में मृतक विपिन की प्रेमिका रानी का भाई विजय चौबे, अजय चौबे और उसका पति रवि कुमार मिश्रा शामिल है, जिसमें से पुलिस ने विजय को नौबतपुर से गिरफ्तार कर लिया है और उसी की निशानदेही पर पुलिस ने युवक का शव और बाइक बरामद कर ली है। पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि विपिन ओझा रानी को लगातार टॉर्चर कर रहा था, इसी के तहत साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने अजय चौबे, विजय चौबे, रानी की चाची चुन्नी और उसकी मां को गिरफ्तार किया है। वहीं रानी के पिता कन्हैया चौबे, पति रवि कुमार मिश्रा और खुद रानी मिश्रा फरार है। अभी जो है कि चीजें जो है कि अनुसंधान के क्रम में है, लेकिन इतनी जानकारी हम लोगों को है जो उनके परिजन जो गिरफ्तार हुए हैं उनके द्वारा बताया गया है कि 28 दिन की छुट्टी में वो आए थे। अब कितने दिन से छुट्टी में आए हैं डिटेल जो है कि अनुसंधान के क्रम में जो है हत्या 2 अक्टूबर को ही हो गई थी कि बाद में हत्या जिस समय वो पहुंचे हैं 2 तारीख को अभी अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बताना उचित नहीं है पीओ क्या कि अभी पीओ को हम लोग फिर से जो है कि आपके जो इस पूरे घटना ये के उद्भेदन में जो जिनके नेतृत्व में जो काम हुआ है वो हमारे जो है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक है, इनके नेतृत्व में काम हमारी टीम बताना भूल गए थे, जो हमारे DIU की टीम डुबराव और DIU की टीम बक्सर है, इन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया और एक तरीके से ब्लाइंड केस था, डेट में मर्डर केस ब्लाइंड केस उद्भेदन होना इतना जल्दी जो है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन लोगों ने जो है काफ़ी मेहनत से जो है सही समय पर सही जगह पर जो है कि हिट करके जो है कि ये केस का उद्भेदन किया है। मतलब तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि दूसरे रूप में जा रहे थे। तो लड़की के पति डिफेंस में थे क्या? लड़की के पति वह यूनिफॉर्म सर्विस में है, इतना आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि हमको उनको गिरफ्तार करना है, ये बताना उचित नहीं है कि कहाँ पर किस यूनिट में काम कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म सर्विस में हैं। बरामदगी के लिए हम लोग लगे हुए थे, लेकिन हम लोगों का जो है कि बदकिस्मती है कि लड़के को सकुशल हम लोग बरामद नहीं कर सके, क्योंकि जिस दिन ये लड़का गया है उसी दिन जो है उसी समय उसकी जहाँ जैसे वो हीरपुर गाँव पहुँचता है वैसे जो है कि उसकी हत्या कर दी गई है, और हत्या का पूर्व से जो है कि योजना है, ऐसा नहीं है कि जो है कि तुरंत जो है कि भावना में आके कर दिया गया, पहले से जो कि इन लोगों ने काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया है, उसके बावजूद भी जो है कि वो गो बैक नहीं किया, इसके पश्चात जो है कि इन लोगों ने क्या बता दें कि कांग्रेस नेता के बेटे की शादी भी 3 साल पहले हो चुकी थी। उसकी शादी हो जाने के बाद भी उसका प्रेम प्रसंग युवती के साथ चल रहा था। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध बरकरार रखने को लेकर वो अपनी प्रेमिका को टॉर्चर भी करता था। फिलहाल मामले में आरोपित प्रेमिका और उसके पति रवि मिश्रा समेत 3 फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।